अयोध्या में राम धुन में लीन सभी नजर आ रहे हैं और उसी के तहत टीवी 9 भारतवर्ष ने भी विशेष तैयारी की है आपको ये बताने के लिए कि आखिर किस तरीके से राम मंदिर में श्री राम को स्थापित करने के साथ साथ प्राण प्रतिष्ठा से पहले विशेष पूजन किया जा रहा है। और महत्वपूर्ण ये भी है कि क्योंकि हम टेक्नोलॉजी के जमाने में आपके साथ प्राण प्रतिष्ठा को लेकर एक एक जानकारी रख रहे हैं, वहीं देखिए किस तरीके से राम मंदिर का ही ये 3D मॉडल हमने आपके सामने हमारे स्टूडियो में रखा है। और प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान में 3 अधिवास आज है, सुबह शंकराधिवास और फलाधिवास, साथ ही आज शाम को पुष्पाधिवास होगा। तो प्राण प्रतिष्ठा में जिस तरीके से 16 तारीख से ये विशेष आयोजन किया जा रहा है, ये विशेष पूजन हो रहा है, उसी के तहत ये जानकारियां भी सामने हैं कि किस तरीके से हर रोज प्राण प्रतिष्ठा से पहले विशेष पूजन किया जा रहा है। और राम धुन में लीन अयोध्या भक्तों का उत्साह 22 जनवरी से पहले बढ़ चढ़ कर बोल रहा है। हालांकि पूरे देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी किस तरीके से राम मंदिर को लेते हुए, राम की प्राण प्रतिष्ठा को देखते हुए विशेष पूजा अर्चना की जा रही है, उसकी एक एक तस्वीर आज आपको टीवी 9 भारतवर्ष भी दिखा रहा है। चलिए खास मेहमानों का भी परिचय आपसे करा देती हूँ। अभी तक अयोध्या नगरी में हम आपको अयोध्या वासियों के साथ साथ देश से पहुंच रहे लोगों का उत्साह दिखा रहे थे, अब विदेश से कुछ खास मेहमान हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आपको बता दूं हृदेश गुप्ता हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं और हृदेश आपको बता दें इंडियन डायस्पोरा इन UK ग्रुप के संस्थापक हैं। इसके अलावा नरेश श्रीवास्तव भी अब से थोड़ी देर में मुझे ज्वाइन करने वाले हैं और वो लंदन में राम मंदिर के पुजारी हैं, साथ ही दोनों लंदन के मंदिरों में प्राण प्रतिष्ठा के दिन भव्य बनाने में कैसे जुटे हुए हैं इस बारे में उनके साथ खास बातचीत करूंगी। और थोड़ी देर में अलेक्जेंड्रा भी मेरे साथ जुड़ रही हैं, अलेक्जेंड्रा जो कि रामलीला की कलाकार हैं और केकई का ये रोल निभाती आई हैं, मॉस्को से अब से थोड़ी देर में ये हमें ज्वाइन करने वाली हैं। लेकिन उससे पहले हृदेश जी टीवी 9 भारतवर्ष को वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि देश में जिस उत्साह की हम बात कर रहे हैं विदेश में सब राम धुन में कैसे लीन है इस बारे में बता दीजिए। नमस्कार, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। देखिए भारत में जो चल रहा है हम टीवी के माध्यम से देख सकते हैं, लेकिन मैं ब्रिटेन में बता सकता हूँ इतना उत्साह है, इतना उत्साह है कि यहाँ पे जितने भी मंदिर हैं एक नहीं मल्टीपल प्रोग्राम्स हो रहे हैं सुबह से लेके शाम तक। कल 20 तारीख से लेके आज और कल भी प्रोग्राम होंगे और फिर 22 को तो होना ही है इतने सारे प्रोग्राम। तो आज हमने अपने यहाँ पे मैं रहता हूँ यहाँ पे सलाव हिंदू टेम्पल, यहाँ पे हमने शाम को 200 किलो लड्डू 200 किलो लड्डू का ऑर्डर दिया हुआ है, तो जिसकी हम आज पैकिंग करेंगे। और हमें जो 22 तारीख को हमने एक प्रोग्राम रखा हुआ है यहाँ 4 से 7 बजे तक, उसमें 2 से 3 हजार डिवोटीज वी आर एक्सपेक्टिंग टू विजिट द टेम्पल जस्ट फॉर राम मंदिर। तो इतना ज्यादा उत्साह है चारों तरफ, कोई अखंड रामायण का पाठ कर रहा है, कोई सुंदरकांड का पाठ कर रहा है, कल कार रैली निकाली जा रही है लंदन में राम मंदिर के लिए। तो उत्साह की कोई कमी नहीं है, जो लोग भारत में जैसे महसूस कर पा रहे हैं ब्रिटेन में भी हम उसी तरीके से यहाँ सेलिब्रेट कर रहे हैं। बहुत ही खूब, और हम चाहेंगे टीवी 9 भारतवर्ष उसकी खास तस्वीरें भी यहाँ पर मौजूद हमारे दर्शकों को जरूर दिखाएगा। लेकिन अलेक्जेंडर इस वक्त हमें मॉस्को से ज्वाइन कर चुके हैं। अलेक्जेंडर कितना इंटरेस्टिंग है ये जानना कि केकई का रोल अभी तक आप कलाकार होने के नाते सामने रखती आई हैं, कितना जुड़ाव आप महसूस करती हैं राम के साथ? और अब प्राण प्रतिष्ठा की जब हम बात कर रहे हैं तो 22 जनवरी से पहले उस आराध्य राम को जानते हुए कितना भाव विभोर हो चुकी हैं? हेलो, मैं बहुत खुश हूँ, मैं केकई का रोल करती हूँ। दिस इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर अस टू टेक पार्ट इन दिस। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। How do you try and connect people there in Moscow with you? आप कैसे लोगों को जोड़ने की कोशिश करती हैं, उनको बताने की कोशिश करती हैं राम के बारे में? I like India. I like Rama, and I am so happy to will be part of this stand, of this place. Yes, thank you so much. Jai Shri Ram. जय श्री राम अलेक्जेंडर। इस वक्त आपको बता दूं हमें नरेश श्रीवास्तव भी ज्वाइन कर चुके हैं, लंदन में राम मंदिर के ये पुजारी हैं। नरेश जी कैसी भव्य तैयारी, क्योंकि हृदेश से मैं ब्रिटेन में ही बात कर रही थी जिन्होंने बताया 2 से 3 हजार भक्त जुटने वाले हैं, विशेष तौर पर पूजन के लिए भी मिठाई और लड्डू का इंतजाम किया जा रहा है। आप वहां पर मंदिर में कैसी तैयारी कर रहे हैं प्राण प्रतिष्ठा को देखते हुए? जय श्री राम।
और मेरा नाम है नरेश सारस्वत जी। सो यहाँ पर मंदिर में देख ले करते हैं हम लोग, और मंदिर के अंदर बहुत ही ज्यादा उत्साह है, और हम लोग आज से ही यहाँ पर माइनस में टेम्परेचर है इस समय -3 आउटसाइड, तो सुबह के समय दोपहर से यहाँ की दोपहर से लंदन की दोपहर से हम लोग ने जो 250 किलो तक लड्डू हो चुके हैं उनकी पैकिंग शुरू होगी। विशेष डिब्बे बनवाए गए हैं जिनके ऊपर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का दिन और उसका पर्व लिखा हुआ है, और बहुत सुंदर उसके ऊपर चित्र बना हुआ है भगवान का, तो जिससे लोग उन डिब्बों को अपने एक स्मृति के रूप में, यादगार के रूप में अपने पास में रख सकते हैं कि आज का दिन हमारे जीवन का, हमारी सदी का और आने वाली सदियों के लिए जो विशेष महत्व का दिन है उसको याद रख सकते हैं। मंदिर के अंदर यहाँ विशेष लोग हम लोग को तैयारी ये करनी पड़ती है खास तौर से। एक तो अगर आप देखेंगे मंदिर में पीछे बहुत सुंदर सजावट की गई है, स्पेशली डेकोरेट किया है भगवान के पीछे। एंड दूसरी चीज होती है यहाँ पर जो लोग अगर किसी भी तरह से डिसेबिलिटी है, विकलांगता है, या कोई वृद्ध लोग हैं, या कोई स्त्रियां हैं जो प्रेग्नेंट वगैरह हैं, तो उनके लिए हमें भीड़ में उनको असुविधा ना हो तो उनके लिए अलग से हमें मंदिर के अंदर लाइंस बनानी पड़ती हैं, पंक्तियां बनानी पड़ती हैं, तो हम वो बैरिकेडिंग का इंतजाम करते हैं। और वॉलंटियर्स बहुत हैं हमारे पास में, और बहुत ही उत्साहित वॉलंटियर्स हैं, वो सब ये काम करते रहते हैं। और उसके साथ साथ में इतने सारे लोग आएंगे, 3-4 हजार हम भारत की दृष्टि से देखें तो बड़ा छोटा सा काम नंबर लगता है, लेकिन 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 राम सबके हैं, और यही वजह है कि इस खास मौके पर मैं, आपने भव्य तस्वीरें दिखाई कि किस तरीके से राम दरबार ब्रिटेन में, लंदन में भी हर जगह सज चुके हैं और लोगों का उत्साह बढ़ता जा रहा है। प्राण प्रतिष्ठा का ही खास मौका क्यों ना हो, लेकिन सभी एकजुट होकर आराध्य राम की पूजा अर्चना करने के लिए इस खास मौके पर जुड़ रहे हैं। आप सभी हमारे साथ जुड़े उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया आपका।